अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं रफ्तार 24 न्यूज HD मंडी बहाउद्दीन। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। गुजरात से आरिफ हुसैन मफ्ती की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मुहर्रम अल हराम दिन 2 बजे 184 साल कदीमी मातमी जुलूस की बरामदगी। तफसीलात के मुताबिक इमाम बारगाह माई कासिम बीबी नस्त नवाबजादा चौक गुजरात से शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम खानवादा माई कासिम के जेर एहतमाम बरामद हुआ, जिसमें शहर गुजरात की मारूफ मातमी संगतों ने भरपूर शिरकत फरमाकर इमाम आली मकाम के जोर नजराना अकीदत पेश करते हुए नोहा खाने की मातमी सालार अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी बदलते रहे। मातमी जुलूस और मोमिनीन के लिए जगह जगह ठंडे दूध पानी और मीठे शरबत की सबीलें लगाई गई और बहुत सारे मकाम पर अजादारान नवाब करबला के लिए वसी तरीन लंगर हुसैनी का भी इंतजाम किया गया। मातमी जुलूस की हिफाजत की खातिर गुजरात इंतजामिया ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए। शहर गुजरात के मरकजी मातमी जुलूस में हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मरकजी मातमी जुलूस के लाइसेंस होल्डर माई कासिम बीबी के खानवादा से ताल्लुक रखने वाले सैयद अजहर अब्बास शाह के भाई सैयद कमर अब्बास शाह ने बयान करते हुए कहा, माई कासिम बीबी इमाम बारगाह से सालाना 3 मरकजी मातमी जुलूस क्याम पाकिस्तान से पहले के बरामद हो रहे हैं, जो अपने मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह माई कासिम बीबी इमाम बारगाह इख्तिताम पसीर होते हैं। सैयद कमर अब्बास ने कहा, सिर्फ 10 मुहर्रम अल हराम का मातमी मरकजी जुलूस बरामद होकर इमाम बारगाह काजमिया नूरपुर सईदा कुढ़े में इख्तिताम पसीर होता है, जहां पर शाम गरीबा की मजलिस होती है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होती है गुजरात इंतजामिया के साथ हर मुमकिन तआवुन किया जाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।